Hey everyone, what's up? Good evening, good afternoon. वैसे ये ब्लॉग आप लोग afternoon में देख रहे होंगे. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. This is Sachin standing in front of you guys. High time to leave because अगले 10 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली ब्राडा स्टेशन पे. मनीषा कह रही मैं भी स्टेशन पे चलूंगी. जीजू चल रहे छोड़ने और ये ट्रॉली बैग भी है, तो हम लोग ट्रिपलिंग करके जाने वाले यहाँ से. पहले तो आशीष और जीजू प्लान करके बैठे थे कि हम लोग जाएंगे. मनीषा बैठी हुई है. चल निशा, खुश रहो तुम ऐसे ही, ठीक है? कंगाली में आटा गीला. मैंने पैसा मांग रही है, देख लो कितना पैसा रहे. कैश पैसा रख पे नहीं करते. लो तुम मांग लिए जाते टाइम, तो लक्ष्मी लोग को दे देना चाहिए. लो कम से कम 20 रुपए पान खा लेना. तो गाइस पान खाने का पैसा मिला गया, 20 रुपया दे के जा रहे, मिल गया ना. अरे मेरा पैसा सही होगा टोटल मिला के. ट्रेन में ऐसे भी खाली कैश लेना पड़ता है. तो रुको 10 का नोट देते हैं उसको, अच्छा से ज्यादा जियान हो जाएगा. मतलब दे दो. तो गाइस चलिए अब निकलते हैं, लेट नहीं करेंगे. चलो चलो चलो, मन से चलना है तो. मेरे पास और कुछ तो लेना नहीं था ना. जेरी जेरी बाय, तुमको नहीं जाना बेटा. चल जेरी, नो ठीक है. चल 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 अंदर. जेरी को अंदर करो, अंदर करो. सो गाइस चलिए अब निकलते हैं. चल 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 चलो, तुम जा रहा है तो आशीष चल रहा है छोड़ने. फिलहाल अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे. स्कूटी पे ट्रिपलिंग करके जाना है. तुमने पीछे लेकर बैठ जाना है, हम चला रहे हैं. चलो हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक से ट्रिपलिंग करके. और रात के 11 बज रहा है और कितना ज़्यादा धुंध हो गया है. अभी कैमरे में जितना नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध हो गया है. अब तो लग रहा है ठंड नहीं पड़ेगी तो नहीं चल पाएगा ना. ठंड में कैसे जाएंगे हम. चलो ठीक है. तो अभी हम लोग आ गए स्टेशन. स्टेशन तो पूरा खाली. स्टेशन पर आ चुके हैं, रात के 11:03 हो चुका है. और यहाँ स्टेशन पर हमारे नया काउंटर लग रहा है. वाह, अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. यस, छोटा स्टेशन है, धीरे धीरे आई जाएगी. बाकी देखो आई थिंक आगे ही लगेगा इसी के डब्बे. अभी तक कुछ स्टेशन पे उतना भीड़ नहीं लगती है, बहुत कम लोग दिखते हैं. ये भी इसको भी ट्रेन पकड़ना है. ये कौन है? ट्रेन पकड़वाने आया. चलो गाइस तो मैं फाइनली ट्रेन में बैठ जाऊंगा, निकल जाऊंगा. सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं. भाई साहब हमारी ट्रेन नहीं है ये. हावड़ा चल रही. तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है फाइनली. और एसी का डब्बा, आई बाप ये तो एकदम नहीं आगे नहीं है. हाँ आगे ही है. B1 B3 आगे. चलो बाप रे बहुत आगे है. B2 ये वाला है. B1 हाई डब्बा है. वाओ दोस्तों, अब आधी रात को एकदम निकल रहे हैं. बारिश भी आने की पूरी संभावना है. एकदम जोरदार बारिश आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते. फिलहाल चलते हैं भाग के. चलो दौड़ना पड़ेगा. जाओ जाओ जाओ, बाय बाय. सो गाइस अभी हो गया एक सीन ये हुआ है कि मुझे चढ़ना था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, मैं चढ़ गया हूँ गंगा सतलज एक्सप्रेस में. क्योंकि जो एसी का डब्बा था बहुत आगे था, एकदम दौड़ते 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 नाम भी नहीं पड़े चढ़ गया. और ये ट्रेन थोड़ी लेट पहले आती है लेकिन लेट आई है उसके टाइम पर, और उसको होल्ड करके पीछे रखा हुआ है. आगे स्टेशन पे अब चेंज करेंगे, टीटी से बात होगी. तो गाइस फाइनली ये वाली ट्रेन से मैं उतर गया. इस ट्रेन का नाम है धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस. दोस्तों मुझे लगा कि मेरी ट्रेन आएगी, यहाँ पर आ गई मुंबई अमृतसर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस. सो गाइस मुझे लग गई है भूख, खा रहा हूँ ओरियो बिस्किट. साथ में बारिश होना स्टार्ट हो चुका है, मस्त वाली बारिश हो रही है. बिजली कड़क रहा है अलग.
रात के 12 बज रहे हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, शायद यही है। हाँ यही वाली है। अब मेरे को ट्रेन का डब्बा देखना है, B1। बहुत हेक्टिक हो गया गाइस आज का जो हमारा ट्रैवल है ना, रात के लगभग 12:30 हो रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के लगभग 5:00 हो रहा है। मेरा तो किस्मत ही आज ख़राब है, तो ट्रेन के ट्रैक्स पे आज मुझे चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी ट्रेन आगे आ गई है स्टेशन से और मैं सोया रह गया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि रोक दिया ट्रेन, तो मैं उतर गया, फिर वो सामने स्टेशन है। तो गाइस अभी हुआ क्या था, ट्रेन में सोया रह गया था तो आगे उतरा हूँ, मेट्रो से नई दिल्ली जाना है, तो अभी ऑटो मिल गया बाहर में, मैंने बोला कि भैया छोड़ो मेट्रो स्टेशन पहले। अच्छा है। अभी इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से नाम से जानते हैं, और ऑटो वाले बंदे बहुत अच्छे थे, पहुँचा दिए बेचारा, बोले कि चलो, तो मैंने उसको बोला कि लो भैया 20 रुपये एक्स्ट्रा ही ले लो, तुम ज़्यादा दूर आना पड़ा। खैर अभी चलते हैं आगे। अभी मेट्रो में आ चुका हूँ और लगभग सुबह के 6:00 हो चुके हैं। दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं राजीव चौक, जिसको कनॉट पैलेस भी बोलते हैं, और कनॉट प्लेस से अभी मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली, फिर वहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेकर के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 T3। सुबह के टाइम तो भाई साहब मेट्रो इतनी खाली रहती है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बिल्कुल लगता कोई है ही नहीं। अभी जो मेट्रो स्टेशन है ये है चावड़ी बाजार, ठीक है, मुझे उतरना था नई दिल्ली, समझ रहे हो आप, यानी कि यहाँ पे भी मैं एक स्टेशन आगे आ चुका हूँ क्योंकि नई दिल्ली में इतनी भीड़ चढ़ी है ना, मतलब पेशेंस रख ही लेता हूँ, टाइम है हमारे पास, तो चौड़ी बाजार से वापस नई दिल्ली। फाइनली एंटर्ड इनटू द एक्सप्रेस लाइन मेट्रो, पहले ये रिलायंस ऑपरेट करती थी लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ही ऑपरेट कर दी है। चलते हैं नीचे। मैं बैठ चुका हूँ दिल्ली मेट्रो के एक्सप्रेस लाइन पर और यहाँ से मैं विंडो सीट पे हूँ। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे नई दिल्ली के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एयरपोर्ट वाले प्लेटफॉर्म पे, मतलब एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे दिल्ली एयरपोर्ट। जब यहाँ पे मेरी टर्मिनल 3 से फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट है, 11:30 वाला तो अभी दिखाई नहीं रहा, कितना मस्त लग रहा है ना, लंदन हैथ्रो, दोहा, काठमांडू, गोवा, पटना, मुंबई, और मेरी वाली फ्लाइट आगे 11:30 है, दिख ही नहीं रहा भैया मेरा। डायरेक्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल पे और वहाँ ही देखते हैं कि क्या सीन है, चेक इन काउंटर का पता लग ही जाएगा, वैसे तो मैंने वेब चेक इन कर दिया है, बट चलिए चलते हैं। टर्मिनल 3 से ना एयर इंडिया का है, चुकी है मस्त बारिश, पहुँच चुका हूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पे। बाकी रोड देखो कितना गीली, सड़कें ना कितनी खूबसूरत, एकदम साफ, बाकी आगे चलते हैं। तो ये देखो ट्रैवलेटर, इसको ट्रैवलेटर कहते हैं। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर बस और शटल बस वगैरह मिल जाती है और अराइवल वालों के लिए। अभी चलते हैं लेवल 2 पर। नेशनल एयरपोर्ट तो कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज है ना, मतलब मुझे दिल्ली एयरपोर्ट सबसे अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर, वो देखिए ATC है वो। बाकी यहाँ पर डिपार्चर गेट नंबर 5। गाइस अभी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब इसके बाद जो वाला जो भी ब्लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, और एयरपोर्ट से आप सभी को बाय बाय कहते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी जाऊंगा थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होकर के ना, नाश्ता वगैरह करूंगा यहाँ पे एयरपोर्ट में, चिकन वगैरह करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, oh, oh.
time. Keep it all locked up in.